दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा मी की एक बैग की। ये मैंने परचेस किया था मी की स्टोर से। इसका प्राइस है 250 रुपये, लेकिन आपको 50 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। टोटल हुआ 300 रुपये। और इसके अंदर जो बैग है उसका नाम है मी स्टेप आउट बैकपैक। तो इसको कट करके खोल लेते हैं। मैंने इसके अंदर मिलता है और एक पैकेज जिसके अंदर बैग है। इसको पहले निकाल लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है अंदर। इसको फेंकते हैं साइड पे और बैग को एक बार चारों तरफ से देख लेते हैं। दोस्तों आपको लग रहा है ये इसकी कलर ऑरेंज है, लेकिन इसकी कलर ऑरेंज नहीं है, ये रेड कलर की है। और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है बैग के बारे में, और यहाँ पे इसकी प्राइस भी दिया गया है 499, मतलब 500 रुपये, लेकिन ये आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको भी खोल लेते हैं। इसको साइड में फेंकता हूँ और देख सकते हो दोस्तों बैग को। और ये आपको लग रहा होगा ये ऑरेंज कलर की है, लेकिन ये ऑरेंज नहीं है, ये रेड कलर की है। लेकिन आपको वीडियो में दिख रहा होगा ऑरेंज कलर। और एक पूरा बैग पे पॉलिस्टर कपड़ा यूज किया गया है, और यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर की पॉलिस्टर कपड़ा यूज किया गया है। इसकी क्वालिटी देख सकते हो, उतना अच्छा उतना बुरा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, चल जाएगा। और ये बहुत ही हल्का है। हर तरफ एक बार घुमा के दिखा देता हूँ आप लोगों। और ये पीछे भी देख सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों इसकी चेन देख सकते हो, ये चेन दूसरी बैगों से अलग है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे भी पॉलिस्टर कपड़ा लगाया गया है, देख सकते हो। और यहाँ पे और एक चेन को भी खोल के देख लेते हैं। दोस्तों इसको मैं एक बार उल्टा करके दिखाता हूँ इसके अंदर की क्वालिटी कैसा है। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बाहर की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई किया गया है ये बैग। और बैग के अंदर की साइड पे एक मी की लोगो आपको दिख रहा होगा। और ये देख सकते हो पूरा बैग पॉलिस्टर का है, लिखा गया है। और इसको पहले जैसा कर लेते हैं। Thank you.
एक बार इस बैग की चेन की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मी की लोगो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिंट किया गया है। और ये चेन है, चेन को भी दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों इसकी डिज़ाइन भी देख सकते हो, ये पतला है लेकिन अच्छा है। और ये भी देख सकते हो यहाँ, और यहाँ पे आप बैक की कोई भी लेंथ सेट कर सकते हो इसको छोटा बड़ा करके। अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।